नमस्कार सभी को। वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि पहला पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 हैव बीन अलॉटेड ए प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी वन ऑफ द EMRSS। दूसरा है, कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग इन द स्टेट EMRS सोसाइटी। तो आप लोगों को कहाँ रिपोर्ट करना है, जो स्टेट आपको अलॉट हुआ है उसकी मेन सोसाइटी, यानी स्कूल नहीं जाना है आपको। आपको कहाँ जाना है, जैसे छत्तीसगढ़ अगर अलॉट हुआ है, छत्तीसगढ़ में कोई भी विद्यालय, तो आपको छत्तीसगढ़ सोसाइटी में जाना है, ठीक है। ऐसे ही मान लो राजस्थान का कोई EMRS आपको अलॉट हुआ है, तो राजस्थान की स्टेट सोसाइटी में जाना है। इस तरीके से वहाँ पहुँचना है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू ज्वाइन देयर अलॉटेड स्कूल एज मेंशन्ड इन द पोस्टिंग ऑर्डर विल बी इश्यूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटी। तो बाकी अब ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट सोसाइटी को दी है। हालांकि यही होता भी है, क्योंकि उसमें भी KVS में भी क्या करता है कि जो मेन हेडक्वार्टर है वो RO अलॉट कर देता है आपको, मतलब RO फिर आपको स्कूल अलॉट करता है। तो इसमें भी सेम किया है, स्टेट सोसाइटी अब आपको क्या करेगी, ज्वाइनिंग डेट बताएगी। हालांकि यहाँ पर क्या इन्होंने किया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो खुद दे दी है, लेकिन अब जो ज्वाइनिंग का पूरा जो बताएगा वो आपकी स्टेट सोसाइटी डिसाइड करेगी क्या करना है। द डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन डिटेल ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द स्कूल्स विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेट सोसाइटी। तो इसमें इन्होंने तीसरे पॉइंट में मना किया है कि ज्वाइनिंग डेट आपको बता दी जाएगी इन फ्यूचर, कब जाना है स्टेट सोसाइटी में, कब पहुंचना है। कैंडिडेट्स जो है डायरेक्ट स्कूल ना जाएं, स्कूल कांटेक्ट ना करें, इन्होंने ये बताया है, उनको जो है स्टेट सोसाइटी में जाना है। फोर्थ पॉइंट है, ड्यूली वेरीफाइड अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर अंडर द साइन एंड स्टॉम्प ऑफ द डिजाइनेटेड ऑफिसर ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी विल बी इश्यूड टू द कैंडिडेट। बाकी जो है, ड्यूली वेरीफाइड अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर अंडर द साइन एंड स्टैम्प ऑफ द डिजाइनेटेड ऑफिसर ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी विल बी इश्यूड। अभी एक और आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर, वो आपकी स्टेट सोसाइटी इशू करेगी, जिसमें आपकी डेट लिखी होगी। कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड एंड पोस्टेड इन EMRS एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2024 एंड 28/7/2024 इन द पे स्केल्स गिवन बिलो। नीचे इन्होंने पे स्केल भी दे दिया है। अब चूँकि है क्या, बहुत से लोग डायरेक्ट NESTS जाके वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये नोटिफिकेशन निकालना पड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए कि क्या करना है। तो पहली बात है, आपको विद्यालय जो अलॉट हुआ है डायरेक्ट स्कूल नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको स्टेट EMRS सोसाइटी में जाना है, और वो भी अभी नहीं जाना है, आपको वेब जो NESTS है वो दे देगा कि कब आपको रिपोर्ट करना है वहाँ पर। अब अभी जो है स्टेट सोसाइटी आपका एक और अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगी, जिसमें आपकी डेट वगैरह मेंशन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पे लेवल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें क्लियर इन्होंने कर दिया कि PGT का लेवल 8 रहेगा, TGT जो नॉर्मल है उनका 7 है, लाइब्रेरियन का भी लेवल 7 है, TGT आर्ट, TGT PET, TGT म्यूज़िक, अकाउंटेंट इनका लेवल 6 है, हॉस्टल वार्डन का 5 है, लैब अटेंडेंट का 1 है। फिर 6 पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ड्यूली फिल्ड एंटीसीडेंट फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द स्टेट EMRS सोसाइटी, फॉर्मेट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर ओरिजिनल, और क्या करना है, जो मेडिकल फिटनेस है और अटेस्टेशन फॉर्म जो आया वो सब फिल करके आपको ले जाना है कहाँ, स्टेट EMRS सोसाइटी में। तो ये चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है मुझसे। तो 3-4 बातें इन्होंने क्लियर कर दी हैं, तो ध्यान में रखिएगा।